तो दोस्तों फाइनली जो है यूपी बीएड का जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है आपका एक्टिव कर दिया है। तो इस वीडियो बताने वाला है कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। तो चैनल पर बन रहा है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि देख रहे हैं इसका वेबसाइट खोले हुए, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले इसका वेबसाइट पर चलेंगे। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि आप देखें तो 30 एडमिट कार्ड लाइव डेट यहाँ पर बताया गया है कि 30 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली जो है आपका लिंक एक्टिव हो गया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। और आपको जो एग्जाम होने वाला है 9 जून, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं एग्जामिनेशन 9 जून को बताया गया है। यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक है टू एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यानी पहले से आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका अगला पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन के लिए यानी कैंडिडेट लॉगिन का पेज खुलेगा, यानी आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले यूजर आईडी डालेंगे और यहाँ से पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अगर पासवर्ड नहीं पता है तो देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देगा है, फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप पासवर्ड को जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद एक अलग से ऑप्शन मिलेगा एडमिट कार्ड का, उस एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ठीक है आसानी से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी कैंडिडेट यहाँ पर वेट कर रहे थे एडमिट कार्ड को लेकर यूपी बीएड का, तो फाइनली जो है आपका लिंक एक्टिव हो गया है। तो आप इसी प्रोसेस के माध्यम से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नंबर के साथ।